हाय गाइस, वेलकम बैक टू डिस्टेंस बिटवीन। मैं हूं शुभम और इस टाइम मैं हूं गैंगटोक में। अगर आप बहुत ज़्यादा गर्मी से परेशान हो चुके हैं तो यहां पे आ जाइए, आप काफ़ी एंजॉय करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप गैंगटोक आ सकते हैं, कैसे यहां पे एंजॉय कर सकते हैं, क्या टूर प्लान होगा और आपका क्या बजट हो सकता है, वो इस वीडियो में आपको पता चलेगा। तो पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। ऐसी बहुत सारी ब्यूटीफुल प्लेसेस गैंगटोक में मैं आपको दिखाऊँगा, तो घूमते हैं गैंगटोक। गैंगटोक पहुंचने के लिए आप सबसे पहले न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन पहुंच सकते हैं। न्यू जलपाईगुड़ी से गैंगटोक की दूरी लगभग 117 किलोमीटर की है। इसके बाद आपको यहां से 250 रुपीज़ से 300 में शेयर्ड जीप मिल जाएगी, जो कि आपको डायरेक्टली गैंगटोक पहुंचा देगी। आप बागडोगरा एयरपोर्ट पर भी उतर सकते हैं, जो कि 123 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। यहां से आपको प्राइवेट टैक्सी 3000 से 4000 रुपये में मिल जाएगी। गाइस, इस टाइम मैं हूँ छंगू लेक जाने के लिए। यहाँ पे टैक्सी स्टैंड है तो यहीं से मुझे मिलेगी और लगभग 450 रुपीज़ मुझे लगे हैं और पर हेड का, और यहाँ से मैं छंगू लेक जाऊँगा। ये टैक्सी स्टैंड है, मैंने नीचे बुकिंग की थी। छंगू लेक गैंगटोक से 40 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है और यहाँ पहुँचने में 2 से 3 घंटे लग सकते हैं। छंगू लेक के अलावा भी रास्ते में आप कई सारे साइट सीन करेंगे। यहाँ पे छंगू लेक के पास मैंने मैगी ली है और लगभग 50 रुपीज़ की एक मैगी मिली है, पर बहुत टेस्टी है और इतना मिलेगी क्वांटिटी की आपका पेट भर जाएगा। इवन जिनको विस्की वगैरह चाहिए, दारू वगैरह चाहिए, वो भी यहाँ पे अवेलेबल होती है। लगभग 100-100 रुपये की एक प्राइस मिलती है। आप चाहे तो क्वार्टर ले सकते हैं, वो भी मिलती है यहाँ पे। मतलब सारी अवेलेबिलिटी है यहाँ पे, आपको कोई ऐसा नहीं लगेगा कि आप नीचे नहीं हैं। आपको यहाँ खाने पीने की सारी चीज़ें मिलेंगी। जैकेट वगैरह यहाँ पे मिलते हैं लगभग 100 रुपये का। आप नीचे ही जैकेट ले लें थोड़ा सा छंगू लेक के पास में, तो आपको 100 रुपये में जैकेट मिल जाएगा, बूट मिल जाएगा जो पहनते हैं बर्फ़ के लिए, वो लगभग आपको 100 रुपये में मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें लेंगे तो आपके लिए इजी रहेगा ऊपर जाने के लिए, और बहुत ज़रूरी चीज़ है ये सारी चीज़ें। 12,000 फीट की ऊंचाई पे बाबा हरभजन सिंह का स्मारक है। यहाँ पे काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, तो गर्मी में अगर आप हैं तो इस टाइम जल्दी से जल्दी यहाँ पे एक बार ज़रूर आ जाइए। तो ये है छंगू लेक, जहाँ पे लोग आते हैं टूर के लिए। बहुत ज़्यादा यहाँ पे अभी भीड़ नहीं है क्योंकि हम लोग काफ़ी लेट में यहाँ पहुँचे, लगभग 4:30 बज रहे हैं। और ये आप देख सकते हैं बहुत अच्छा यहाँ पे व्यू है। बारिश हो रही है काफ़ी, आप देख सकते हैं, पर व्यू ज़बरदस्त का है यहाँ पे। इस टाइम याक वगैरह होती है, बारिश की वजह से सारे टूरिस्ट जा चुके हैं, बट मैं बारिश में भी आपके लिए काम कर रहा हूँ, तो ज़रूर देखिए इसे। यहाँ पे आने का 450 रुपीज़ शेयरिंग में मुझे लगा है, अगर वैसे आप आते तो शायद 2,500 से 3,000 रुपये का खर्चा आपका लगता। छंगू लेक के पास आप याक पर बैठकर फोटोग्राफी भी करवा सकते हैं। आज हम लोग जा रहे हैं लाचुंग और वहीं पे स्टे करेंगे और नेक्स्ट डे निकलेंगे युमथांग वैली के लिए, और फिर वापसी में आएंगे वापस से लाचेन, और लाचेन में हम लोग स्टे करेंगे और अगले दिन निकलेंगे गुरुडोंग मार लेक के लिए और उसके बाद वापसी करेंगे। तो पूरा ये टूर प्लान हम लोग का रहेगा 2 दिन का। अगले 2 दिन 2 नाइट्स हम लोग का और 3 डेज का टोटल टूर प्लान है, और ओवरऑल जो खर्चा लगा है 3,000 रुपये, जिसमें हमारा होटल है, ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच और ट्रांसपोर्टेशन है, तो काफ़ी सस्ता है। और यहाँ पे आए तो ये टूर अगर आपने नहीं किया तो गैंगटोक की आपकी जो जर्नी होती है वो कम्प्लीट नहीं हो पाएगी। लाचेन या लाचुंग जाते समय आपको कई सारे वाटरफॉल और व्यू पॉइंट देखने को मिलेंगे। लाचेन के रास्ते में आपको पड़ेगा एक व्यू पॉइंट जिसे बोलते हैं सिंगिक व्यू पॉइंट, आप यहां से देख सकते हैं। गैंगटोक में आप आए हो और वाटरफॉल देखने को न मिले, ऐसा हो नहीं सकता है। लाचेन जाते समय आपको ये देखने को जरूर मिलेगा। आपको रास्ते में थोड़ी थोड़ी देर में कोई ना कोई वाटरफॉल जरूर देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं मेरे पीछे है तीस्ता रिवर, जो कि काफ़ी स्लो है इसमें। और अगर आप लाचुंग के लिए जा रहे हैं और गुरुडोंग मार्ग का टूर कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे आने का मौका मिलता है। साइट सीन में इंक्लूड होता है, यहाँ पे रुक के 5 मिनट फोटोग्राफी वगैरह भी कर सकते हैं। अगर आप लाचेन जा रहे हैं तो आपको यहाँ पे सारी बॉटल्स अपनी फेंकनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पे आपको अलाउ नहीं होगा। वहाँ पे अगर आप ले जाएंगे तो लगभग 200 रुपये आपको पेनाल्टी लगेगी। ये इंडिया का पहला ऐसा गांव है जहाँ पे बॉटल बिल्कुल भी अलाउ नहीं है।
आप देख सकते हैं कितनी बॉटल यहाँ पे फेंकवाई गई है। जो भी है, अगर आप यहाँ पे बॉटल खाली खरीदते हैं, जो कि आप फ्रिज वगैरह में जैसी बॉटल रखते हैं वो खरीदते हैं, तो लगभग आपको 70 रुपीज़ यहाँ पे करने पड़ेंगे। ये यहाँ का चुंगथांग डैम है। इससे थोड़ी ही दूर से लाचेन और लाचुंग का रास्ता कटता है। लाचुंग के लिए हम लोग निकले थे मॉर्निंग में 11 बजे और पहुंचे हैं इवनिंग में 7 बजे। लगभग जो टोटल दूरी तय करनी पड़ी थी वो 100 किलोमीटर की करनी पड़ी थी। रास्ते में हम लोगों ने कई सारे साइट सीन वगैरह भी कवर किए थे। इसके अलावा रास्ते में आपको पैकेज में इंक्लूड होता है लंच वगैरह भी, तो लंच भी आप ले सकते हैं, बट बहुत अच्छा नहीं होता, एवरेज ही रहेगा। और रोटी वगैरह आप सोच रहे हैं तो रोटी भी नहीं मिलेगी। साथ ही साथ जो होटल भी मिला था वो पहले दिन एवरेज ही मिला था। ये लाचुंग गाँव है जिसको देखकर लगेगा कि आप अलग दुनिया में हैं। यहाँ पर केवल BSNL का नेटवर्क है और थोड़ा बहुत वोडाफोन का भी नेटवर्क आपको कहीं कहीं मिल जाता है। आज हम लोग जीरो पॉइंट और युमथांग वैली जाएंगे, जिसकी रोड अच्छी नहीं है पर रास्ते के व्यूज बहुत ही अच्छे हैं। अब हम लोग जा रहे हैं जीरो पॉइंट के लिए और यहाँ पे जीरो पॉइंट है। अच्छा, जीरो पॉइंट पर ही है हम लोग, बट यहाँ पे काफी जाम लगा है तो थोड़ा सा ऊपर और जाना होगा। कम से कम 100 मीटर ऊपर जाएगी। ये हमारे ड्राइवर साहब है संतोष जी, और इनका फोन नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। इनको कॉल करके आप डायरेक्टली बुकिंग कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा नेचर है इनका और आपको बहुत ही अच्छे रेट्स पे प्रोवाइड कर देंगे, अच्छी सर्विस देंगे। तो आपका नंबर है, कॉन्टेक्ट जरूर कर लीजिएगा अगर आपको यहाँ पे आना है तो। आप यहाँ बहुत अच्छा व्यू देख सकते हैं पूरा का पूरा। अभी ट्रैफिक है, हम लोग ऊपर जाएंगे। आप देख सकते हैं पूरा पहाड़ से घिरा है, पूरा स्नो हर जगह दिख रही है। आप देख सकते हैं कितना सारा यहाँ पे स्नो है और हल्की हल्की स्नोफॉल भी यहाँ पे हो रही है। बहुत ही मेरा गजब का एक्सपीरियंस है, आपको बहुत मज़ा आएगा यहाँ पे। आप फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ आएँ और ऐसा खूबसूरत नज़ारा बहुत कम देखने को मिलता है। आप आएंगे अपने फैमिली के साथ तो बहुत एंजॉय करेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं कितनी ठंड है, लगभग 13,700 फीट की ऊंचाई पे हूँ इस टाइम, और पूरा ग्लव्स वगैरह है और बूट वगैरह है। अगर आप इसको लेते हैं 50 रुपीज़ आप टोटल से चार्ज लगेगा, 50 रुपीज़ में आपको मिल जाएंगे जैकेट रेंट पे और ग्लव्स और ये सारी चीज़ें 150 रुपीज़ मिल लगेंगे आपके, बूट वगैरह सब मिल जाएगा। तो यहाँ पे ज़रूर आएँ, आपका लाइफ टाइम एक्सपीरियंस रहेगा। स्नो है बहुत सारी यहाँ पे, आप देख सकते हैं। जीरो पॉइंट पर आपको विस्की, रम और ड्रिंक करने का सारा अरेंजमेंट मिल जाएगा। जीरो पॉइंट के बाद अब हम आ चुके हैं युमथांग वैली में, और आप देख सकते हैं ये फ्लावर्स यहाँ पे पूरा यहाँ पे बिखरा हुआ है एकदम। आप देखेंगे बहुत ही खूबसूरत है, और यहाँ पे रिवर भी है आगे, तो अभी थोड़ी बारिश हो रही है शायद मैं न जा पाऊँ, बट बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का। इसके बाद हम लोग होटल में लंच करके लाचेन के लिए निकले। लाचेन जाने की रोड भी अच्छी नहीं है, लाचुंग से लाचेन पहुंचने में लगभग 2.5 से 3 घंटे लगते हैं। हम लोग लाचेन में हैं और ये हम लोग का होटल है, बट हम लोग आज गए थे गुरुडोंगमार लेक, बट वहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुई कि लैंडस्लाइड हुआ और क्लोज हो गया। हम लैंडस्लाइड की वजह से गुरुडोंगमार लेक नहीं जा पाए, पर आप जरूर जाएं क्योंकि ये सिक्किम की सबसे पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस है। आप अगर गुरुडोंगमार लेक जाते हैं तो शाम को 7 से 9 बजे तक वापस गैंगटोक भी पहुंच जाएंगे। हम लोग नाथुला पास भी नहीं घूम पाए क्योंकि वो ज़्यादा स्नोफॉल की वजह से क्लोज था। नाथुला पास का शेयर्ड जीप का 850 से 900 रुपीज़ का पर पर्सन कॉस्ट लगता है। डे 5 में आप रूमटेक मॉनेस्ट्री, गणेश टोक, हनुमान टोक, नामग्याल इंस्टीट्यूट, फ्लावर पार्क और MG रोड पर कुछ शॉपिंग कर सकते हैं। आप यहां पर रोपवे को भी एंजॉय कर सकते हैं। हालांकि इतनी सारी प्लेसेस जो मैंने आपको स्टार्ट में दिखाई है वो देखने के बाद शायद आपको ये सारी प्लेसेस उतनी अच्छी ना लगे। गैंगटोक का जो टोटल टूर प्लान बनेगा वो 5 दिन का बनेगा। आप 5 से 6 दिन की अपनी ट्रिप प्लान कर सकते हैं यहाँ के लिए। जो भी ड्राइवर के या फिर ट्रैवल एजेंट के नंबर है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, उसको जरूर देख लें, आपके लिए इजी होगा और साथ ही साथ आप इजिली बुकिंग वगैरह करा सकेंगे अच्छे रेट पे।
इसके साथ ही आपको जो होटल्स वगैरह लेंगे वो आप एमजी रोड पे लें, क्योंकि एमजी रोड पे आपको इजीली होगा कहीं भी आने जाने के लिए, और साथ ही साथ आपको यहाँ पे रेस्टोरेंट्स वगैरह मिल जाएंगे, मार्केट्स मिल जाएंगे, तो ये बेनिफिट होगा आपको एमजी रोड पे स्टे करने में। इसके साथ ही यहाँ पे अगर आप 2 से 4 किलोमीटर की दूरी पर भी जाते हैं तो आपका लगभग 150 से 250 रुपए का टैक्सी का भाड़ा लग सकता है, क्योंकि जो कि यहाँ पे कॉस्टली है। तो ओवरऑल आपका क्या कॉस्ट रहेगा वो मैं अब आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जो प्लान मैंने बनाया है 5 दिन का बनाया है, जिसमें से 2 दिन आप गुरुडोंग मार लेक का ट्रिप करेंगे तो उसका आपका 3,000 रुपए का पैकेज लग जाएगा। तो उस रेट को पहले अलग कर लेते हैं 2 दिन का। तो मैं टोटल 3 दिन जो आप गैंगटॉक में रुकेंगे वो खर्चा बता देता हूँ। होटल का जो आपका खर्चा आएगा 2,000 रुपए 3 दिन का आएगा। मील्स का आपका खर्चा जो आएगा वो लगभग आ जाएगा 2,000 रुपए, और साथ ही साथ कन्वेंस का जो खर्चा आएगा जो साइट सीन वगैरह करेंगे वो भी 2,000 रुपए का खर्चा आएगा। तो टोटल इसका करेंगे तो 6,000 रुपए आएगा। साथ ही साथ अब इसमें ऐड कर लें 2 दिन की आप गुरुडोंग मार्ग की ट्रिप जो करेंगे उसका आपका आ जाएगा लगभग आपका 3,000 रुपए। तो टोटल इसका करेंगे तो 9,000 रुपए का खर्चा आ रहा है ओवरऑल कॉस्ट आपकी। अब इसमें आप जैकेट्स वगैरह बूट वगैरह हायर करेंगे और भी कई सारी चीज़ें होंगी, तो 1,000 रुपए और ऐड कर लें एंट्री फीस वगैरह, टोटल करेंगे तो लगभग आपका 10,000 रुपए का खर्चा आ रहा है यहाँ घूमने में। इसके अलावा यहाँ पे बियर वगैरह की जो कॉस्ट है वो आपको केवल पड़ती है 65 रुपीज़, जो कि काफ़ी सस्ती है। यहाँ पे आप चाहे गुरुडोंग मार लेक जाते हैं, चाहे छंगू लेक जाते हैं, या फिर आप नाथुला पास जाते हैं, तो उसके लिए आपको परमिट की ज़रूरत पड़ेगी। परमिट के लिए आप जिस भी ट्रैवल एजेंट से बुकिंग करवाएंगे वो आपको उसमें इंक्लूड देगा, जो भी आपसे रेट लेगा वो उसमें इंक्लूड रहेगा। तो उसकी सरदर्दी आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने पास ज़रूर पासपोर्ट फ़ोटो कई सारी रखे रहें, 6-7-8 रखे रहें, और साथ ही साथ आप अपनी आईडी प्रूफ वो भी रखें। तो ये सारी चीज़ें आपको रखना होगा, और अपने साथ गर्म कपड़े जैसे कि जैकेट रख लें, और भी जो भी गर्म कपड़े जैसे भी हों वो ज़रूर रख लें, क्योंकि बहुत ज़रूरत पड़ती है, काफ़ी ठंड होती है वहाँ पे, इन चीज़ों का ध्यान रखें। तो गाइस कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, ज़रूर पूछें। मेक श्योर नेचर को क्लीन और ग्रीन रखें, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। आज के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन दी, थैंक यू फ्रेंड्स।